दोस्तों आज मैंने अपने घर के लंच में डोसा बनाया है। नारियल, हरी मिर्ची, जीरे, नमक की सिर्फ चटनी है हमारी। इसको मैंने सिर्फ लाल मिर्ची और राई का तड़का और मीठे नीम के पत्ते का सिर्फ बघार लगाया। इसके अलावा मैंने इसको कुछ नहीं किया, मिक्सी में नारियल सब सामान को पीस लिया था, बघार अलग से लगाया। और ये मैंने तुअर की दाल बनाई थी, साथ में उसमें कद्दू मैंने कुकर में डाल दिया था, हल्दी नमक डाल के, थोड़ा सा तेल डाल के। और बाद में जब मैंने दाल बघार ली तो सारी सब्जियां मैंने अलग से ऐड करी। तो इस तरह की हमारी मैंने मुनगे की फली, भिंडी, कद्दू, लौकी, जो सब्जियां हमारे पास अवेलेबल थी वो मैंने इसमें सांभर में डाल यूज करा है। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है और साथ में ये डोसे बनाए हैं। एक चार का रेसो रखा है, चावल चार और एक उड़द की दाल सिंपल, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं रखा। और ये देखिए बहुत कुरकुरे, बहुत अच्छे हमारे डोसे बने, स्वादिष्ट बने हैं। तो इस तरह से नारियल की चटनी के साथ, सांभर के साथ डोसे मैंने बनाए हैं, हमारे घर के लोगों को मैं सर्व कर रही हूँ। और दोस्तों ये मैंने आपके लिए भी बनाया है, साथ में मैंने आज फॉर्क भी दिया है, चम्मच भी है साथ में। मैंने अभी आपको दाल दिखाई, देखिए इसमें कोसे दिख रहे हैं जैसा हमें आज रेस्टोरेंट में दिया जाता है। तो इस तरह से मैंने कोसे भी इसमें ऐड किए हैं, भिंडी भी मैंने इसमें ऐड करी हुई है। ऐसी सब सब्जियां जो बच्चे ऐसे नहीं खाते तो हम इसमें सांभर में ऐड करके उनको दे सकते हैं, पीस के भी आप इसको मिला सकते हैं, तो बच्चों को पोषक तत्व से आप भरपूर रख सकते हैं। तो इस तरह से नारियल की चटनी, सांभर और ये डोसा मैंने बनाया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें आलू का भरावन भी है, तो ये डोसा बहुत अच्छा है दोस्तों।